अगर आपसे स्पेस में भेजे जाने वाले एनिमल के बारे में पूछा जाए तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लाइका के बारे में सोचेंगे। यह यकीनन सही जवाब है, बट इसके अलावा भी एक जवाब हो सकता है। अक्टूबर 1963 में फेलिसेट नाम की एक छोटी काली और सफ़ेद बिल्ली ने वहाँ की यात्रा की जहाँ पहले कोई बिल्ली नहीं गई थी और ना ही तब से गई है। दुर्भाग्य से फेलिसाइट की स्टोरी लाइका की तरह एक हैप्पी एंडिंग नहीं थी। बट ऐसा क्या हुआ जो लाइका को इतना प्यार दिया गया और जो दुनिया भर में इतना पॉपुलर भी हुआ, तो वहीं फेलिसाइट को नज़रअंदाज किया जाता है। तो आइए जानते हैं आज के इस नए एपिसोड में। 1960s में USA और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस जब अपनी चरम सीमा पर थी, तब साइंटिस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पर स्पेस में जाने से पड़ने वाले इफेक्ट्स को समझने के लिए उत्सुक थे। 1963 में फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES ने सेरमा के रिसर्चर्स के साथ स्पेस ट्रैवल का न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस पर पड़ने वाले इफेक्ट का अध्ययन करने के लिए एक मिशन शुरू किया। उनका मानना था कि एक बिल्ली को अंतरिक्ष में भेजने से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि वेटलेसनेस, जैसे सरल शब्दों में भारहीनता कहते हैं, वह ब्रेन की एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करती है। स्पेस ट्रैवल की सिलेक्शन प्रोसेस फेलिसेट के लिए बहुत ही कठोर थी। मिशन के लिए कई बिल्लियों को ट्रेन किया गया। स्पेस ट्रैवल के लिए उनकी सुटेबिलिटी का आकलन करने के लिए सीरीज ऑफ टेस्ट कंडक्ट किए गए। आकर्षक हरी आंखों वाली टक्सीडो कैट फेलिसेट को इस हिस्टोरिक मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया। 18 अक्टूबर 1963 को फेलिसेट को अल्जीरिया के हेमागिर में एक साइट से वेरोनिक AG-1 रॉकेट से स्पेस में लॉन्च किया गया। रॉकेट अर्थ की सरफेस से लगभग 157 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। 13 मिनट की फ्लाइट के दौरान लगभग 5 मिनट फेलिसेट को वेटलेसनेस का अनुभव हुआ। फेलिसेट मिशन हार्ट रेट और ब्रेन एक्टिविटी सहित उसके वाइटल साइंस को मॉनिटर करने के लिए सेंसर से लैस था। उसके ब्रेन में इम्प्लांट किए गए इलेक्ट्रोड्स ने अर्थ पर रिसर्चर्स को डेटा भेजा, जिससे न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस पर स्पेस ट्रैवल के इफेक्ट के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली। अपना मिशन पूरा करने के बाद फेलिसेट पैरासूट डिफेंस से अर्थ पर वापस लौट आई। रिसर्चर्स ने उसे रिकवर किया और स्पेस फ्लाइट से फिजियोलॉजी पर पड़ने वाले इफेक्ट का एग्जामिनेशन किया। साइंटिफिक रिसर्च में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी फेलिसेट की स्टोरी दशकों तक अज्ञात बनी रही। वर्षों तक उसकी लेगेसी को मान्यता नहीं मिली। लैंडिंग के 2 महीने बाद ही फेलिसेट को मार दिया गया, जिससे साइंटिस्ट ये देखने के लिए पोस्टमार्टम कर सकें कि स्पेस फ्लाइट से उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा था। बट ऐसा करने से उन्हें कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी। 2019 में मैथ्यू सर्ज गाय के द्वारा एक क्राउड फंडिंग कैंपेन ने उसके सम्मान में एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू के निर्माण के लिए फंड किया, जिसे फ्रांस के स्ट्रासबर्ग की इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया। फेलिसेट की स्पेस जर्नी उन अनगिनत जानवरों की याद दिलाती है जिन्होंने नॉलेज और एक्सप्लोरेशन के लिए मानवता की खोज में योगदान दिया है। फेलिसेट के सैक्रिफाइस ने स्पेस एक्सप्लोरेशन पर एक अमिट छाप छोड़ी है।